वेलकम अगेन। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था आपको टैग के बारे में बात करेंगे, तो जिस पेज पे आप लोगों को जैसे अगर HTML पढ़ी है तो आपको पता होगा कि टैग किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर हेडर टैग है, स्क्रिप्ट टैग है, या और फिर बॉडी टैग है, या फिर HTML टैग है। ये सब टैग हैं जो HTML पेज में यूज़ होते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग डेटा को स्क्रैप करेंगे। तो चलिए बताता हूँ कि आपको टैग कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग हेड टैग ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि हेड टैग में जितनी भी डेटा है वो हम लोग स्क्रैप कर सकें। तो इसमें आपको HTML.head टाइप करना होगा और उसको रन करना। तो हेड टैग में जितना भी आपका डेटा होगा वो आप लोग देख सकते हैं, शो हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बॉडी टैग पे फोकस करें तो यहाँ पे आप लोग HTML.body, तो ये देख सकते हैं बॉडी में जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको किसी भी टैग के अंदर जितना भी डेटा है वो चाहिए तो आप उस टैग का यहाँ पर नाम लिख सकते हो ऑब्जेक्ट बना के, तो ये डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। हाँ, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। बाकी हम अपनी अगली वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को कैसे स्ट्रिंग स्क्रैप करनी है।